हेलो गाइस, वेलकम टू इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई। आई एम कुलदीप एंड यू आर वाचिंग इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। इस चैनल में हम टेक रिलेटेड यूनिक वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और किसी भी टॉपिक पे यदि वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई YouTube चैनल पर। आज हम आ चुके हैं WhatsApp की एक नई फीचर के साथ। WhatsApp में आया अब तक का सबसे जबरदस्त फीचर। ग्रुप चैटिंग हुई और मजेदार। WhatsApp अपने यूजर्स के लिए कम्युनिटी फीचर लाया है। इस फीचर की मदद से आप 10 ग्रुप्स तक की एक कम्युनिटी बना सकते हैं। यह फीचर एक कम्युनिटी में अधिकतम 512 मेंबर्स को ऐड करने की सुविधा देता है। आइए जानते हैं कि यह फीचर क्या है, यह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। WhatsApp पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक नए फीचर ला रहा है। इसी कड़ी अब कंपनी यूजर्स के लिए WhatsApp कम्युनिटीज लेकर आई है। नया फीचर ग्रुप चैटिंग के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदलने का दम रखता है। वेबटेन्फो ने WhatsApp के इस नए फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें इस फीचर के बारे में काफी कुछ बताया गया है। WhatsApp कम्युनिटीज फीचर के जरिए यूजर एक जैसे ग्रुप्स को एक कम्युनिटी में जोड़ सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि यूजर को एक ही मैसेज बार बार अलग ग्रुप में सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम्युनिटीज में यूजर अलग अलग टॉपिक के लिए नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कैमरा टैब की जगह कम्युनिटीज का ऑप्शन। वेबटेन्फो की रिपोर्ट के अनुसार नए अपडेट में WhatsApp में टॉप लेफ्ट साइड में दिए गए कैमरा टैब को कम्युनिटीज से रिप्लेस कर दिया गया है। इस टैब का इस्तेमाल करके यूजर 10 सबग्रुप्स तक के साथ एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो नए फीचर की मदद से सबग्रुप्स में एक साथ 512 मेंबर्स से कनेक्ट हुआ जा सकता है। एडमिन कर सकता है कम्युनिटी को डिसेबल। WhatsApp का यह नया फीचर यूजर्स को कम्युनिटी ज्वाइन करते वक्त अपनी पसंद का सबग्रुप चुनने की भी सुविधा देता है। खास बात है कि यूजर बिंग अ कम्युनिटी छोड़े किसी भी सबग्रुप से एग्जिट भी हो सकते हैं। कम्युनिटी का एडमिन चाहे तो किसी भी कम्युनिटी को कभी भी डिसेबल कर सकता है। बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट हुआ फीचर। WhatsApp कम्युनिटी में होने वाली चैटिंग या शेयर किए जाने वाली मीडिया फाइल्स से किसी मेंबर को कोई परेशानी होती है तो वे इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। WhatsApp का यह अपडेट बीटा वर्जन 2.22.19.3 के लिए रोल आउट किया जा रहा है। वेबटेन्फो की माने तो कंपनी इस फीचर को कुछ सीमित बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट कर रही है। बीटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसके स्टेबल वर्जन को ग्लोबल यूजर्स के लिए रिलीज किया जाएगा। WhatsApp का यह फीचर अब तक का सबसे बड़ा फीचर है। इस फीचर यानी WhatsApp कम्युनिटी वाले फीचर को बनाने में WhatsApp को 1.5 साल का वक्त लगा है।
क्या ब्लाइंड यूजर्स के लिए टॉकबैक के साथ एक्सेसिबल होगा व्हाट्सएप का यह फीचर? आप जानते ही होंगे कि व्हाट्सएप के अब तक के जितने भी फीचर्स हैं, सब टॉकबैक के साथ एक्सेसिबल हैं। इसीलिए यह अनुमान है कि व्हाट्सएप के कम्युनिटी वाली फीचर के इस्तेमाल में ब्लाइंड यूजर्स को कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर ही सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमाल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें तुरंत कमेंट करें। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।